अभी चार पर बच्चों है ना रेडी। मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है छात्र छात्राओं और बूढ़ो जवान और यंगों को। मैं आज आपको ऐसा टूल चीज पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि यह आत्म मानव फिर भी काम आते हैं पर गाड़ियों में काम आते हैं। वह चीज है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या है? जैसे अभी जीने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, चलना फिरना सोचना विचारना और अपने ज्ञान को बढ़ाना, वो सिलेंडर आदमी दिमाग से करता है। परंतु इसी तरह इंजन में ये ऑटोमोबाइल चाहे टू व्हीलर फोर व्हीलर थ्री व्हीलर हेड होता है। हेड के द्वारा ही सारे क्रियाएं होती है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट जो कि वह सिलेंडर के द्वारा ही होता है, उसको नाम है, वह कार का नाम है सिलेंडर हेड। कार क्या है? नंबर वन सक्शन कंप्रेशन होते ही हैं और दूसरा काम है कि यह क्रियाओं को साथ साथ करने में सहायता देता है। जैसे कि मान चलिए कि सक्शन क्या होता है, कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, लेकिन मालूम है सबको होता है। इसके अलावा जैसे कि इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व खोलने की सहायता देता है, जिसका काम इनलेट एग्जॉस्ट खोलने और इसके साथ साथ गैस को लीकेज होने से बचाता है, प्लस इसके साथ वाटर ठंडा करने में सहायता देता है, तो सारे भागों को पार्टों सहायता करता है। इसके अलावा आयल, जैसे आदमी खून देते हैं वैसे आयल देने के लिए हर पार्टों के देने काम आता है, एक काम है। इसके बाद धातु क्या है? कास्ट आयरन, अल्मोनियम अलॉय आप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहचान क्या है? यह देखने में लग मान चलिए कि एक जैसे कि मान चलिए कि जूते का डिब्बा रहते हैं ना, उसी आकार होता है, परंतु उसमें अंतर है कि अलग अलग पार्ट लगे हैं और लोहे कास्ट आयरन बने होते हैं जो कि अलग अलग डिजाइन पर सिंगल इंजन मल्टी इंजन, यही दो प्रकार का आपके प्रकार आते हैं, ये पहचान आते हैं। भागों के नाम देखिए, यह आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है, टॉप है। इसके बाद ये स्प्रिंग है। इसके बाद इसके अंदर वाल्व लगे हैं। इसके अंदर लॉक है। इसके ये आपका ये बोल्ट टाइट करने के लिए, जो लाल रंग बना रहा हूँ, बोल्ट टाइट करने के लिए बोल्ट होते हैं। इसके अलावा ये इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं, वाटर जैकेट लगे होते हैं, बॉडी होता है और इसी में इंजेक्टर या स्पार्क प्लग लगाने के स्थान होते हैं। इसके साथ साथ आप बताऊंगा कि इनके द्वारा टेम्परेचर जो गर्मी को भी सेंसर लगाया जाता है, चाहे हीटर प्लग भी लगाया जाता है, ऊपर उठी है भावों के नाम है। प्रकार में बताऊंगा मुख्य रूप से ऐसे बताया जाता है कि ये स्पार्क प्लग के अनुसार, सिलेंडर की संख्या के अनुसार और कंप्रेशन के अनुसार और आद होते हैं जिसके द्वारा ये आद होते हैं। इसके द्वारा बताऊँ इसके बाद यही है। इसके बाद ये प्रकार हो गया। सावधानियाँ क्या है? पहली बात तो सावधानियाँ की हेड को खोलते समय सही रिंच का इस्तेमाल करें। उसके अलावा नंबर दो है कि हेड को जब भी काम करें उस पर पीछे पैकिंग गैस लगा रहता है, उसको खुरचने के बाद ही नया गैस के लगाएं। तीसरा है कि वाल्व को बराबर प्रॉपर टाइट लॉक लगाते समय यह ध्यान की करें कि वो सही लॉक लग रहे हैं। इसके अंदर गाइड लगे रहते हैं जो गाइड के द्वारा पुश करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, जो भी इनके द्वारा होता है। और तीसरा है गाइड जो लगे होते हैं, गाइड को हमेशा हल्के हाथे प्रयोग करें और ठोकते पीटने के करें। और इसके अंदर सीट लगती है, सीट में एक खासियत होता है जलने के बाद गैस निकले, उसको जब भी सर्विस कराएं नया लगाएं, वाल वाइट साथ लगाएं। इसके चौथा है कार करते समय यह ध्यान रखना कि जब भी सर्विस करते इसके भागों को, कार्बन को, चाहे पैकिंग को, चाहे अंदर के हर पार्ट को क्रूज करें
पेट्रोल डीजल जो भी है आवश्यकता। पांचवा है कार करते समय ध्यान रखना कि हमें जब भी टाइट करें बोल्ट को टार के अनुसार डायग्राम इंजन का अलग अलग कंपनी निर्धारित करके जिसके द्वारा कार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हेड को सबसे बड़ी खासियत है कि हेड को जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ का अल्मोनियम होते हैं और डीजल गाड़ियों कार्चार होते हैं, तो इसके आधार पर आप जो भी है अल्मोनियम का ध्यान रखें कि हल्के टाल के कार्चार के तड़क कर सकते कोई काम नहीं करता। आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो डीजल मकैनिक ऑटोमोबाइल और जो भी मकैनिक काम करते हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर उनके लिए उपयोगी है। ऐसे नहीं जनरली सभी लोग जानकारी ले, अच्छी बात है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।